सुपौल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ढोंगी बाबा ने दो सगी बहनों के साथ बलात्कार किया है। बताया जा रहा है कि बाबा ने पहली बार छोटी बहन से 2010 में बलात्कार किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था, जिसके बाद से ही लगातार वो उसे ब्लैकमेल करता रहा और ब्लैकमेल करके उसका शोषण करता रहा। वहीं उसके बाद साल 2016 में बाबा ने फिर उसकी बड़ी बहन को अपना शिकार बनाया और उसके बाद उसे भी ब्लैकमेल कर अपना शिकार बनाता रहा, लेकिन किसी भी बहन ने पुलिस में मामला दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटाई। जब राम रहीम का मामला सामने आया तो बहनों ने एक दूसरे से आपबीती बताई और पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बाबा को मधुबनी जिले के फुलपराज से गिरफ्तार किया है। वहीं बाबा अपने आप को निर्दोष बता रहा है। नहीं, हम सर इसके साथ न इसके बहन के साथ कहीं आज तक कुछ नहीं किया है। भेंट कहाँ हुआ था? भेंट भंडारा में जब गए थे ना, इसका पापा ले गया था उसके यहाँ। कहाँ? ये भंडारा किया था उसके यहाँ अपने घर। कहाँ पर? लुधियाना में। जी, निमंत्रण दे करके ले गया था। दोनों बहन से किए थे ना आप? नहीं, आप चुनाव भी लड़ने वाले थे? चुनाव लड़ने वाले थे, पहले नहीं लड़े थे, चर्चा चल रहा था कि चुनाव लड़ना है लोकसभा का। जी, बीजेपी से। जी, पुलिस ने आरोपी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। गीता ने एक लिखित आवेदन महिला थाना को दिया, जिसमें इसने आरोप लगाया कि बाबा संत मनमोहन साहब, जो कि हमारे जिला के ही मरोना थाना के रहने वाले हैं, लेकिन ये कई जगह अपना आश्रम खोले हुए हैं और वहीं पर भोले भाले लड़कियों के साथ जो है कि गलत काम कार्य करते हैं और उनका यौन शोषण करते हैं। इनके आवेदन के आधार पर महिला थाना में कांड संख्या 519 दर्ज किया गया। दर्ज करने के बाद हम लोगों ने मैटर का तहकीकात किया, कांड का पर्यवेक्षण किया गया, आरोप को सत्य पाया गया। इस तत्पश्चात हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उस टीम के द्वारा इन्हें फुलपरास स्थित इनका जो आश्रम है उसी के आसपास से इनकी जो है कि गिरफ्तारी की गई। आश्रम की और भी लड़कियां कोई शिकायत की? अभी तक तो कोई अन्य लड़की हमारे समक्ष नहीं आई है। अगर कोई अन्य आती है तो हम लोग इस मामले की भी ने जो जानकारी दी है उसमें उसका कहना है कि वो सभी सत्संगी हैं, बाबा इनके घर पर आते थे, ये भी बाबा के घर पर जाते थे, सत्संग में भाग लेते थे और इसी का फायदा उठा करके इनके साथ जो गलत कार्य किया गया और फिर सालों साल तक इनके साथ यौन शोषण किया। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आपको बता दें कि आरोपी बाबा इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही रेप के मामले में फंसने से बाबा के मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस को इस मामले में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, ताकि समाज में ऐसे ढोंगी बाबाओं के अंदर कानून का डर पनप सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।